सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग है मार्गला गाड़ी की रिस्टोरेशन, जो कि घर में की जा सकती है। आप ये देख लें गाड़ी की कंडीशन कैसी है। गाड़ी मेरे पास थी तो मतलब थोड़ी देर पहले ही परचेज़ की है, तो कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, सीटें वगैरह काफ़ी ख़राब थी। मैंने सीटें खोल के रखी हुई हैं, तो सोचा कि इसकी पोशिश वगैरह कर लूँ और इसकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक कर ली जाए। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा इसके ऊपर एक्सपेंस कितना मैं कर रहा हूँ, कितना खर्चा आ रहा है, कहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ चीज़ें, हर एक चीज़ की डिटेल में वीडियो दूँगा, बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में कुछ बता दूँ। ये गाड़ी है सुजुकी मार्गला 9। तो इसके अंदर ये कंडीशन है कि ये आप देख रहे हैं, ये चेसी यहाँ थोड़ी सी गल गई थी, इसको पीस लगे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं करने क्या लगाऊँ, इसके अंदर मसला ये आ रहा था कि इसका फर्श जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा जंग पकड़ रहा है। अभी फर्श ठीक कंडीशन में, आप ये देखें, उधर उस साइड पे कंपाउंड हुई हुई है, इधर ये नया फर्श डला हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जंग लग रहा है फर्श को। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने इसको खोल दिया, सारी गाड़ी को, इसके दरवाजे उतारे। दरवाजे कैसे उतारे मैंने, क्योंकि ये पावर विंडो नहीं थी, इसमें तारें वगैरह नहीं होती हैं दरवाज़ों के अंदर। तो ये वाला बोल्ट यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, ये दो बोल्ट ऊपर से खोले, दो बोल्ट नीचे से खोले, पूरा दरवाज़ा बाहर आ जाता है। और एक यहाँ पे इसकी किल्ली सी फंसी होती है, जिसको स्टॉपर कहते हैं, वो स्टॉपर का एक किल्ली निकाली है और ये पूरा दरवाज़ा मेरा बाहर आ गया। वो देखें, वो मैंने दरवाज़ा खोल के ही सामने रखा हुआ है। अच्छा, ये इसी तरह मैंने इसके चारों दरवाजे पहले सबसे पहले खोल दिए हैं। चारों दरवाजे खोलने के बाद मैंने इसकी सीटें निकाली हैं। बैक सीट कैसे निकाली है, इस सीट को हल्का सा ऐसे मैंने ऊपर उठाया, बैक वाली को, तो ये आराम से बाहर आ गई। पीछे वाली सीट के ये लॉक होते हैं, यहाँ से नीचे से इसको हाथ डालते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे जोर लगाते हैं, तो ये सीट ऐसे इन लॉक्स में से बाहर निकल जाती है। ये लॉक इनकी, ये पीछे वाली सीट इस तरह मैंने इसकी रिमूव कर दी है। फ्रंट सीट कैसे रिमूव करते हैं, फ्रंट सीट के चार बोल्ट होते हैं, ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बोल्ट होता है यहाँ पर, ये इस पाँव के ऊपर, एक इस पाँव के ऊपर होता है, फिर एक ये बोल्ट होता है यहाँ पर, एक ये बोल्ट होता है। आपने ये चार बोल्ट सिर्फ खोलने और सीट एज इट इज़ उठा के बाहर रख देनी है। मैंने ऐसे इसके ये दोनों साइडों की सीटें बाहर निकालनी है। अब मैं करने क्या लगाऊँ इस गाड़ी के साथ, एक तो मैंने इसकी सीटों की पोशिश डालनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से लेके आऊँ। अब मैंने फेंडर कैसे खोला इस गाड़ी का, फेंडर का आपको बता दूँ। ये देखें, बम्पर आगे लगा हुआ है एज इट इज़, सिर्फ मैंने यहाँ से फेंडर के अंदर एक पेच होता है बम्पर का, पहले वो खोला, बम्पर अलहदा कर लिया साइड से, और इसकी फेंडर के ना यहाँ पर बोल्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके, एक दो तीन चार बोल्ट इसको लगे होते हैं, चारों बोल्ट खोले हैं और एक बोल्ट इसका यहाँ नीचे वाली साइड पे यहाँ पे लगा होता है। यहाँ से ये बोल्ट खोला और पूरे का पूरा फेंडर बाहर आ गया। इसी तरह मैंने अब ये फेंडर बाहर निकालने का मकसद ये है कि यहाँ से चेसिस ख़राब हो रही है, इसको मैं रंग करूँगा नॉर्मल, ये लेकिन यहाँ पर जंग लग रहा है, इसको यहाँ से अच्छी तरह साफ़ करके रंग कर दूँगा, ब्रश से पेंट करूँगा। मास्टर का कोई भी आप सिंपल एनेमल पेंट ले लें, जिस पेट्रोल मिक्स करके आप उसको फेर सकते हैं, तो गाड़ी के पूरे फर्शों के ऊपर मैं वो पेंट फेर दूँगा। उससे क्या होगा कि गाड़ी के फर्श की लाइफ अच्छी हो जाएगी, मतलब देर तक चलेंगे। फिर मैं इसके ऊपर इसको पहले मैंने धोया अच्छी तरह, पानी मार के पूरा इसका फर्श मैंने धो दिया। फिर उसके बाद अंदर से डिक्की को धोया मैंने अच्छी तरह, हर चीज़ को धोया, स्पीकर वगैरह मैंने खोल लिए थे। डिक्की की कंडीशन देख लें, फर्श टूटा नहीं हुआ लेकिन जंग पकड़ रहा है, इसको मैं पेंट फेरूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह बाकी डिक्की की कंडीशन ठीक है, बाकी किसी चीज़ को ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सीटों की कोशिश होगी, उस सारी डिटेल मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। तो शुरू करते हैं, ये मैंने गाड़ी पूरी खोल ली है, चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ इसका व्यू। ये देखें, ये इसका इस साइड वाला फेंडर ये रखा मैंने खोल के, ये देखें इस साइड से भी अगर आप चेसिस को देखते हैं, क्योंकि जब फेंडर खुल जाता है तो फिर नीचे चेसिस आ जाती है, इस साइड से भी कंडीशन थोड़ी सी हल्की हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ देखें, यहाँ से ये पीस लगा हुआ दोबारा से, ये गल गया हुआ था, उसको हमने पीस लगा के दोबारा से चेसिस को तैयार किया है, लेकिन इसके ऊपर कंपाउंड किया। कंपाउंड जो है वो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं होता, अगर आप इसको पेंट करेंगे पेट्रोल वाला, हल्का पेट्रोल डालना है, गाढ़ा पेंट रखना आपने वो करेंगे, तो उससे रिज़ल्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं वही करूँगा इसके ऊपर। उसके बाद ये ड्राइविंग साइड वाला फर्श देख लें, फर्श टूटा नहीं हुआ, फर्श ठीक है लेकिन जंग निकल रहा है, इस जंग के ऊपर जब मैं पेंट कर दूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से देख लें, यहाँ से फर्श के ऊपर जंग आ रहा है, इसको मैं पेंट कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, बस इतना सा काम है। इसकी टोटल कॉस्ट आपको बताऊंगा और रिस्टोर होने के बाद आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये पूरी गाड़ी रिस्टोर करूं, इसके ऊपर
पूरा खर्चा आपको बताऊं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, मुझे वॉच करते रहें, मेरी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो बस ये है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उससे ये होता है कि मुझे भी थोड़ा सा होगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपको मेरी वीडियोज़ टाइमली मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।